प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए खुदा, सुन ले मेरी दुआ, सुन ले मेरी दुआ। मुझको दुनिया में है, मुझको दुनिया में है, बस तेरा ही आसरा, बस तेरा ही आसरा। ए खुदा, मैं गुनहगार हूँ और खताकार हूँ। माफ़ कर दे मुझे। बख्श दे हर खता। ए खुदा, मुझको इज्जत मिले, तेरी रहमत मिले। इल्म दुनिया ओ दीन, मुझको कर दे अता। ए खुदा। एक बार फिर पढ़ते हैं, पढ़ो बच्चों। ए खुदा, सुन ले मेरी दुआ, मुझको दुनिया में है, बस तेरा ही आसरा। ए खुदा, मैं गुनहगार हूँ और खताकार हूँ, माफ़ कर दे मुझे, बख्श दे हर खता। ए खुदा, मुझको इज्जत मिले, तेरी रहमत मिले, इल्म दुनिया ओ दीन, मुझको कर दे अता। ए खुदा। मौसम कैसा है? देखो बच्चों और उस्तानी को बताओ, मौसम कैसा है? सुहाना। बोलो, मौसम सुहाना है, मौसम सुहाना है। आज हम अच्छा लड़का, सबक एक, अच्छा लड़का के इस हिस्से को पढ़ेंगे। सबक के आखिर में बच्चे इस हिस्से को पढ़ सकेंगे और समझ भी सकेंगे। सबसे पहले इस हिस्से को फिर से पढ़ते हैं। अच्छा लड़का, पढ़ो बच्चों। अच्छा लड़का। भारत में देखो बच्चों, किताब में देखो और पढ़ो। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। नदीम सुबह सवेरे उठता है, नदीम सुबह सवेरे उठता है। वो माँ बाप को सलाम करता है, वो माँ बाप को सलाम करता है। वो दांत ब्रश करता है, फिर नहाता है। वो दांत ब्रश करता है, फिर नहाता है। वो साफ वर्दी पहनता है और कंघी करता है। वो साफ वर्दी पहनता है और
कंघी करता है। पढ़ो बच्चों, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। नदीम सुबह सवेरे उठता है। वो माँ बाप को सलाम करता है। वो दांत ब्रश करता है, फिर नहाता है। वो साफ वर्दी पहनता है और कंघी करता है। इस तस्वीर को गौर से देखो बच्चों। इस तस्वीर में ये सभी लोग कहां पर हैं? बावर्ची खाने में। पढ़ो बच्चों, बावर्ची खाना। हिज्जे करके पढ़ते हैं। ब आ वर च ई बावर्ची, ख आ न ह खाना, बावर्ची खाना। अपनी कापी में लिखो बच्चों, बावर्ची खाना। बाद में एक तस्वीर भी लगाओ अपनी कापी में, बावर्ची खाने की एक तस्वीर लगाओ। तस्वीर को फिर से देखो बच्चों। इसमें माँ बाप और बच्चे क्या करते हैं? नाश्ता, वो क्या कर रहे हैं? नाश्ता। पढ़ो ये लफ्ज, नाश्ता। फिर से पढ़ो, नाश्ता। न आ श त ह नाश्ता, न आ श त ह नाश्ता। अपनी कापी में ये लफ्ज लिखो, नाश्ता। लिखो बच्चों। अब नाश्ता क्या है? सुबह उठकर जो खाना हम खाते हैं उसको नाश्ता कहते हैं। जो खाना हम सुबह को खाते हैं उसको नाश्ता कहते हैं। तुम नाश्ते में क्या खाते हो? तुम नाश्ते में क्या खाते हो? हम नाश्ते में ये चीजें खाते हैं। पढ़ो, रोटी, रोटी, मक्खन, मक्खन, पनीर, पनीर, मुरब्बा, मुरब्बा, चॉकलेट, चॉकलेट। तुम नाश्ते में क्या खाते हो? बोलो बच्चों। हम नाश्ते में रोटी और मक्खन खाते हैं। फिर से बोलो, हम नाश्ते में रोटी और मक्खन खाते हैं। एक दूसरा जुमला, तुम नाश्ते में क्या खाते हो? बोलो, हम नाश्ते में रोटी, मक्खन और पनीर खाते हैं। हम नाश्ते में रोटी, मक्खन और पनीर खाते हैं। अब ये बताओ कि तुम नाश्ते में क्या पीते हो? तुम नाश्ते में
क्या पीते हो? दूध। बोलो बच्चों, दूध। पढ़ो, दूध। चाय। पढ़ो ये लफ्ज, चाय। कॉफी। पढ़ो बच्चों, कॉफी। जूस। पढ़ो जूस। तुम नाश्ते में क्या पीते हो? बोलो, हम नाश्ते में दूध पीते हैं। फिर से, हम नाश्ते में दूध पीते हैं। हम नाश्ते में चाय पीते हैं। हम नाश्ते में चाय पीते हैं। हम नाश्ते में जूस पीते हैं। हम नाश्ते में जूस पीते हैं। अब किताब में देखो। उस्तानी पढ़कर समझाएंगी। बावर्ची खाने में नदीम माँ की मदद करता है। पढ़ो बच्चों, बावर्ची खाने में नदीम माँ की मदद करता है। लफ्ज मदद का मतलब क्या है? उस्तानी ज़हरीन समझाती है। चंद मिसालें देखती है। माँ बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही है और नदीम आता है, वो भी नाश्ता तैयार करता है। इस तरह माँ की मदद हो जाती है। इस तरह नदीम माँ की मदद करता है। अब्बू बाग साफ करते हैं। अब्बू बाग साफ करते हैं और नदीम क्या करता है? नदीम भी बाग साफ करता है। वो बाप की मदद करता है। इसी तरह नदीम बावर्ची खाने में आता है, माँ नाश्ता तैयार कर रही है और नदीम भी नाश्ता तैयार करता है। नदीम नाश्ता तैयार करने में माँ की मदद करता है। फिर से ये जुमला पढ़ते हैं। बावर्ची खाने में नदीम माँ की मदद करता है। दूसरा जुमला पढ़ते हैं। नाश्ते के बाद वो अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। पढ़ो बच्चों, नाश्ते के बाद वो अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। के बाद की मिसालें देखते हैं। के बाद का मतलब क्या है? अम्मी वजू करने के बाद नमाज पढ़ती है, यानी माँ पहले वजू करती है, फिर यानी उसके बाद नमाज पढ़ती है। एक और मिसाल देखते हैं। असलम
दांत ब्रश करने के बाद रोटी खाता है। यानी पहले असलम दांत ब्रश करता है, फिर उसके बाद वो रोटी खाता है। नाश्ते के बाद वो यानी नदीम अपने बस्ते में, नदीम का बस्ता है, वो अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? एक मिसाल देखते हैं। उस्तानी के हाथ में फूल है। उस्तानी के हाथ में फूल है। उस्तानी मेज पर फूल रखती है। उस्तानी मेज पर फूल रखती है। नाश्ते के बाद नदीम क्या करता है? नदीम अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। नदीम अपने बस्ते में क्या क्या रखता है? नदीम अपने बस्ते में क्या रखता है? किताब, कलम और पेंसिल। नदीम अपने बस्ते में क्या रखता है? नदीम अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। एक बार फिर ये जुमला पढ़ते हैं। नाश्ते के बाद वो अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। एक आखिरी जुमला पढ़ते हैं। उसकी माँ टोकरी में रोटी, जूस और सेब रखती है। उसकी माँ यानी नदीम की माँ, टोकरी में रोटी, जूस और सेब रखती है। नदीम की माँ क्या करती है? टोकरी में रोटी, जूस और सेब रखती है। किसकी माँ टोकरी में रोटी रखती है? नदीम की माँ। बोलो बच्चों, नदीम की माँ टोकरी में रोटी रखती है। नदीम की माँ टोकरी में क्या रखती है? नदीम की माँ टोकरी में क्या रखती है? रोटी, जूस और सेब। नदीम की माँ टोकरी में रोटी, जूस और सेब रखती है। सेब क्या है बच्चों? एक सब्जी है, एक जानवर है या एक फल है? फल सेब क्या है? सेब एक फल है। एक दूसरे फल का नाम बताओ। टोकरी में देखो बच्चों, टोकरी में कौन कौन से फल हैं? टोकरी में सेब है। पढ़ो बच्चों, सेब। टोकरी में आम है।
पढ़ो बच्चों, आम। टोकरी में केला है, पढ़ो बच्चों, केला। टोकरी में नाशपाती है, पढ़ो बच्चों, नाशपाती। फिर से इन फलों के नाम पढ़ते हैं, सेब, आम, केला, नाशपाती। अब बच्चों उस्तानी एक बार फिर इबारत पढ़ती है, उस्तानी के बाद पढ़ो। बावर्ची खाने में नदीम माँ की मदद करता है। बावर्ची खाने में नदीम माँ की मदद करता है। नाश्ते के बाद वो अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। नाश्ते के बाद वो अपने बस्ते में किताब, कलम और पेंसिल रखता है। उसकी माँ टोकरी में रोटी, जूस और सेब रखती है। उसकी माँ टोकरी में रोटी, जूस और सेब रखती है। अब बच्चों के बाद की जिद क्या है? के बाद से पहले, पढ़ो बच्चों, के बाद से पहले, के बाद से पहले। अब चंद लफ्जों की जमा देखते हैं। बस्ता, एक बस्ता, दो बस्ते, एक बस्ता, दो बस्ते। एक टोकरी, तीन टोकरियां, एक टोकरी, तीन टोकरियां। एक रोटी, पांच रोटियां, एक रोटी, पांच रोटियां। एक बस्ता, दो बस्ते, एक बस्ता, दो बस्ते। एक टोकरी, तीन टोकरियां, एक टोकरी, तीन टोकरियां। एक रोटी, पांच रोटियां, एक रोटी, पांच रोटियां। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, आज का सबक यही ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।